नमस्कार आपण देखुछन्ति भारत 360 झारखंड देवघरे रोपवे दुर्घटना जेउथरे दुई महिला पर्यटकंकर मृत्यु 12 जणको उद्धार करा जायछि एबे भी 36 जण पर्यटक 2000 फुट उपरे झुली रहिछन्ति दुर्गम पहाड़िया अंचल होइथिबार उद्धार कार्य बाधा प्राप्त होइछि 9 क्याबिन रे 36 जण पर्यटक गतकाली अपराह्नरु फसी रहिछन्ति उद्धार कार्य रे अग्निशम वाहिनी एनडीआरएफ जवान को सह सेनार सहायता निया जायछि दुईटी वायुसेना हेलिकॉप्टर नियोजित होइछि गतकाली अपराह्नरे देवघर त्रिकुट रे थिबा रोपवे ट्रक रु हटात दुईटी ट्रॉली खसी जाय परस्पर भितरे पिटी होय जायथिला एहा परे पछकु पछ 12टी ट्रॉली अटकी जायथिला स्थानीय प्रशासन तुरंत लोकंक उद्धार करबा पय चेष्टा करथिले मात्र राती होय जिबारु उद्धार करबा संभव होय नथिला आज सकाळु पुणी आरंभ होईछि रेस्क्यू ऑपरेशन 2000 फुट उपरे पर्यटक माने फसी रहिछन्ति सेमानकु खाद्य पानीय जोगाई दिया जायछि जेउठारे रोपवे फसिछि सेठारे 44 डिग्री पाखा पाखी तापमात्रा भी रहुछि प्रबल गरम रे फसी रहितबा लोकंक अवस्था एबे संगीन फसी रहितबा पर्यटक भागलपुर मालदा एवं देवघर अंचलर देवघर त्रिकुट रोपवे दुर्घटना परे फसी रहितबा लोकंक उद्धार पई प्रयास जारी रहिछि एने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट करी कहिछन्ति जे से घटना उपरे पूरा नजर रखिछन्ति लोकंक उद्धार करबाकु प्रशासन सेना एनडीआरएफ प्रयास करूछन्ति से आशा करिछन्ति समस्त लोक शीघ्र सुरक्षित उद्धार हेबे उस पर कल से ही नजर है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है और चूंकि रात थी रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी दोषी होंगे और कड़ी कार्रवाई होगी और पहले कभी फर्स्ट हम लोग का ये है कि जो फंसे हुए हैं उनको निकालना इसमें हम लोग लगे हुए हैं ऐसा है कि रात में कुछ वैसा हो नहीं सकता था हम लोग रात भर लाइनअप में ही लगे हुए हैं सुबह से अभी वैकल्पिक उपाय क्या अभी देखते हैं ये सब ये फेल होने के बाद फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि क्या करना होगा और सब टीम आ रही है हेलीकॉप्टर और सब भी आ रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर जिले के मोहनपुर स्थित त्रिकुट पहाड़ पर जहां पे सबसे बड़ी हादसा घटी है आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है यहां पे हवाई जहाज के माध्यम से रेस्क्यू टीम सुबह से ही चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे यहाँ पे घटना घटी थी कि 2 ट्रॉली आपस में ही टकरा गया जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे और 1 55 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी और इतना ही नहीं कुछ बच्चे भी घायल हुए थे इस घटना में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पे अभी भी लगभग 18 से अधिक ट्रॉलियाँ फंसी हुई है जिसमें से लगभग 50 यात्री फंसे हुए हैं कल से ही फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार मशक्कत सुबह से ही की जा रही है लेकिन लगातार खाली हाथ ही एनडीआरएफ की टीम को घूमना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इतने वायर लगे हुए हैं जिसके वजह से हेलीकॉप्टर को एनडीआरएफ की टीम को उस ट्रॉली के पास पहुंच पाना थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो रहा है लेकिन बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहां पे लगातार मशक्कत कर रही है और आप देख सकते हैं कि ट्रॉलियां किस तरह से जहां तहां फंसी हुई है वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं इधर कि ये वायर टूट करके गिरा हुआ है और इसके पीछे इस घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि संचालक के द्वारा एक साथ 26 से अधिक ट्रॉलियां को चला दी गई थी जिसके वजह से रोपवे पर वायर पर लोडिंग बढ़ गया और व्हील से ये वायर हट गया था और ये घटना घटी है दूसरी ओर आप इधर भी देख सकते हैं कितनी परिजन हैं कितनी भीड़ है नीचे में और लोग
जो यहाँ पे फंसे हुए उनके परिजन हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ आए हुए इस घटना को देखने के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ स्थानीय लोगों से कि क्या घटना घटी है। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम मिंटू कुमार मोदी। आपके परिजन फंसे हुए हैं, स्थानीय हैं? हम स्थानीय आदमी हैं। ये घटना कैसे घटी? घटना जब घटी तो हम लोग को पता चला मीडिया टीवी के थ्रू, उसके मतलब न्यूज 18 पे हम लोग न्यूज देख रहे थे, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और देखा जा रहा है कि अभी रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? पीछे सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि ओवरलोड के चलते, क्योंकि कोरोना काल में रोपवे बंद था और अचानक से चालू हुई है, इसका वजह से तार कहीं से ज्वाइंट में कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से। लगभग कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? अभी लगभग इसमें 50 से 60 आदमी फंसे हुए हैं। अच्छा, ये पहली बार घटना हुई यहाँ पे? पहली बार नहीं, जब चालू हुआ था उस समय भी ऐसी घटना हुई थी जो कि रोपवे अचानक से बंद हो गई थी। उस समय इंजीनियर के द्वारा इसे चालू किया गया था, उसके बाद से हमको हमारे अनुभव में दूसरी घटना है और सबसे बड़ी घटना है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार संचालक की लापरवाही की वजह से यहाँ पे घटना घटी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक साथ अधिक ट्रॉलियाँ चालू कर देने की वजह से यहाँ पे रोपवे में लोडिंग बढ़ गया और ये घटना घटी है। और ये पहली घटना नहीं है, जब इसे शुरू में बनाया गया था उस टाइम भी ये घटना घटी थी, लेकिन उस टाइम ठीक कर लिया गया था, उसके बावजूद संचालक ने अपनी लापरवाही में कोई कमी नहीं कही और उस लापरवाही का नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है और इतनी बड़ी घटना घटी है। देवघर से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देखि पारुछन्ति से देवघर जोठी रोपवे बर्तमान फसी जाइछि एवं एथिरे पाखापाखी 50 लोकंकर बर्तमान सुधा फसी रहितबा जहाँ सूचना देउथिले आमर सहयोगी। 12 जनक उद्धार करा जाइछि, एबे भी 36 जन पर्यटक 2000 फुट उपरे झुली रहिछन्ति। आपण मन देखि पारुछन्ति गतकाल अपराह्न 4टारु ए दुर्घटना घटिछि एवं गतकाल 4टारु आज दिन गोटाए पार हो गलानि। लोकमाने एभली अवस्था रे हजार हजार फुट उपरे बाहर रहिछन्ति, झुलिकि रहिछन्ति एवं सेमानक उद्धार करबा पई एनडीआरएफ टीम वायुसेना समस्त प्रकार सहयोग करुछन्ति, किंतु वर्तमान सुधा उद्धार हो पारु नाहांती कारण अनेक गुड़िए रसी लागी रही जो रोपवे रही सेगुड़िक अनेक गुड़े रही जोपाई कि हेलिकप्टर सेठारे पहुंची पारुना, किंतु गत काली ठारु एजाबत ऑपरेशन जारी रही, उद्धार कार्य जारी रही, लोकमानंकु खाद्य पानीय जोगाई दिया जाउछि जदिओ, किंतु लोकमाने एते उपरे रहिछन्ति एवं राति तमाम सेमाने सेभली भाबरे रोपवे भितरे रहिछन्ति एवं एभली झुलिया झुलंता अवस्थारे रहिछन्ति। किभली सेमाने रहितिबे ता भितरे कारण 44 डिग्री तापमात्रा रहुछि एवं ता भितरे गरम हेउछि, राति तमाम अंधार भितरे सेमाने रहिछन्ति। जदिओ स्थानीय लोकमाने घटनास्थलरे नजर रखिछन्ति, प्रशासन नजर रखिछन्ति, मुख्यमंत्री मध्ये नजर रखिछन्ति एवं समस्त टीम उद्धार कार्य करुछन्ति, किंतु आपण माने देखि पारुछन्ति किभली भाबरे सेमाने रहिछन्ति झुली झुलंता अवस्था रे। 12 ट्रली एभली अटकी रही जाइथिला, जोमानंक भितरु किछि लोकंक उद्धार करा जाइछि। आजि मध्य रेस्क्यू ऑपरेशन चालिछि, 2000 फुट उपरे सेमाने रहिछन्ति एभली झुलंता अवस्था रे, राति तमाम सेमाने काटिछन्ति सेभली। जदि सेठारे सेमानंक खाद्य पानीय जोगाइ दिया जाउछि, किंतु 44 डिग्री तापमात्रा भितरे सेमाने राति तमाम मध्य रहिछन्ति। बर्तमान दिन गोटा हेलाणी, एबे भी सेमाने झुलिकि रहिछन्ति सेठारे। किए शाहवाज शरीफ जहाँ तरह रहिब पाकिस्तानर मंग, शाहवाज हेउछन्ति पीएमएलएनर अध्यक्ष तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सान भाई। शाहवाज को राजनीति में रही बेस अभिज्ञता, संसद में विरोधी दल नेता भाव दायित्व तुलाउछन्ति शाहवाज। 1990 पाकिस्तान नेशनल असेंबली को निर्वाचित होते, 1999 पाकिस्तान छाड़े शाहवाज और 2007 पुणी देश फेरी, 2017 पीएमएलएनर अध्यक्ष होते, एथसह पाकिस्तान पंजाब प्रदेश तीन थर मुख्यमंत्री भी रही। एक वरिष्ठ राजनेता विरोध में रही दुर्नीति अभियोग, बड़ भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान छाड़ा पर गुरु दायित्व तुलाई आसुचार शाहवाज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन कथबार्ता हो, दुई नेता भर्चुआल आलोचना करेंगे। कोविड 19 अर्थनीति द्विपाक्षिक संपर्क विषय दुई नेता आलोचना करेंगे। विशेषकर मुख्य प्रसंग रहिबो युक्रेन रुषिया युद्ध, किछि दिन धरी लगातार रुषिया को नहीं भारत आभिमुख्य आमेरिका असंतुष्ट रही आसुची, आउ एहार भितरे दुई दुई थर आमेरिका भारत को सतर्क भी कला। तेणु सोमवार जो आज बैठक बसिबो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रपति बिडेन सतर्क कराई पारंती,
सेपरी दुई नेतांको मध्यरे इंडो स्पेसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उपरे आलोचना हेबो। आज वाशिंगटन डीसी रे भारत एवं अमेरिका मध्यरे हेबो 2+2 आलोचना। अमेरिका रे पहुंचे छंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। एबी बिडेन प्रशासन कार्यकाल रो प्रथम 2+2 आलोचना। युक्रेन रूसिया युद्ध भितर यह आलोचना अनेक गुरुत्व बहन करुछि। दुई देशर मंत्रीस्तरीय आलोचना रे राजनाथ सिंह एवं एस जयशंकर संकर्क सह अमेरिकार प्रतिरक्षा मंत्री लाय डस्टिन एवं वैदेशिक मंत्री आंटोनी ब्लिंकेन को मध्यरे व्हाइट हाउस रे बैठक बसिबो एवं परे भिसी रे भारत प्रधानमंत्री मोदी एवं अमेरिका राष्ट्रपति मध्य आलोचना करिबे। तबे दुई दिन धरी चलिबो ई आलोचना एवं ई आलोचना बेले दुई देशर मंत्री ही व्हाइट हाउस रे उपस्थित रहिबे। द्विपाक्षिक संपर्क सुदृढ़ करिबा दिगरे आलोचना सह कोरोना विश्व अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन मुख्य प्रसंग रही पारे। समय का ब्रेक र ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। लेंबो दर को लागुचि डर गोटा 10 टंका रु अधिक होटेले आउ ग्राहकों को दिया जाउनि लेंबू सर्बत ग्लास रु भी गायब। खरा दिने लोके ठंडा पानी अधिक पिउथवा बेले लेंबू महंगा जोगु सर्बत दर भी बढ़ी जायछि। लेंबू सर्बत ग्लास 10 टंका थिला एबे बढ़ी पहुंचिछि 15 टंकारे। सर्बत रे देसी लेंबू व्यवहार करूनाहंती व्यवसायी लेंबू सर्बत पी आउ मिलु नाही। आखु रस हेउ कि सिझा मका सबुठी दरकार हुए। ब्रेकपुरे स्वागत। युक्रेन और रूसिया भितर जारी रही युद्ध आउ 47 दिन में पहुंचला दुई देश भितर युद्ध। युक्रेन विभिन्न सहर उपर रूसिया आक्रमण जारी रही। माइकेलिव सहर उपर जोरदार रॉकेट और मिसाइल माड़ कर मस्को सेना। बड़ बड़ प्रतिष्ठान और हस्पिटाल उपर आटाक करुछंती रूस सेना। जोराभास मुहा होती वर्तमान सेना और ड्रोन जरिया एभली चित्र देखा मिली। बड़धरण आक्रमण पर सेना एकजुट हो राजधानी कीव निकटर 1000 अधिक मृतदेह जबत हो। आउ एपटे रूसिया सेना को कड़ा जवाब देउछि युक्रेन। देढ़ मासरु अधिक समय धरी जारी रही युद्ध फलरे युक्रेन छारखार हो गला। नाटो सह अनेक देश एबे युक्रेन को सहायतार हाथ बढ़ाई। गुजरात भरूच एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोरण। विस्फोरण में 6 जनकर मृत्यु। अहमदाबाद 235 किलोमीटर दूर से घटी अघटन। रिएक्टर विस्फोरण कारखाना में निआ लगी। तेज समस्त 6 मृतदेह उद्धार कर आयत्त कर पुलिस सूचना देती। घटन जड़े निखोज अच्छा। विस्फोरण एत भयंकर दूर पर्यंत शुणाइला। पुलिस पहुंच तदंत कर। टंका गहना चोरी संपर्क में आपण शुणिथे किंतु लेंबू चोरी हेबा नै प्रथम थर बोधे आपण शुणुंट। उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर सामना को आसी एभली घटना जोटी दोकान रे कला कनाई बुलाई लेंबू नै फेरार हो जाइछि चोर। तिलहर अंचल बजरिया परिवा मार्केट थिबा मनोज कश्यप दोकान रु चोर लेंबू चोरी करी नै छि। दिनकु दिन लेंबू दर आकाश छिय होउछि आउ एहार सुरक्षा को नै व्यवसाय एबे चिंता रे। मनोज को दुकान 60 किलो लेंबू 40 किलो प्याज 38 किलो रसुण चोरी होई। चोरी होता लेंबूर दाम 12,000 टंका हेबो। परिवा चोरी को नहीं व्यवसायी भितर असंतोष प्रकाश पाई। वर्तमान सुधा व्यवसायी जनक थाना एतला देना। तेज दुकान लेंबू चोरी होगा घटना एवं चर्चा पलटि। जब मैं सुबह आया यहाँ मंदिर से माल लेके तो देखा दुकान टूटा हुआ है। पूरा अंदर देखा मैंने तो वहाँ ऐसे नींबू रखे हुए थे पिता पिता साहब लग रहे होते सब भुगाए थे। प्याज लहसुन था भुगाए था तराजुगा था LED बल्ब रखे हुए थे जलाने वाले भुगा थे। क्या लगता है आपको? क्या लगता क्या किसी का हाथ होगा यही कोई जो नालीदार धंधा उसके ऊपर होगा जब माल रखा जाता है।
रविवार रामनवमी पालन अवसर आयोजित शोभायात्रा रे देशर चारिटी राज्य रे संघर्ष गुजरात रे जने व्यक्ति मृत्यु होई गुजरात मध्यप्रदेश झारखंड पश्चिमबंग आयोजित शोभायात्रा बेले संघर्ष होता हिंसाकांड और पोड़ाजुला कारण मध्यप्रदेश खारगोन किसी अंचल में कर्फ्यू जारी होती गुजरात आनंद जिला खम्भट और सबरकंठ जिलार हिम्मतनगर शोभायात्रा बेले भिन्न संप्रदाय संघर्ष होता उभय शोभायात्रा टेका पत्थर फिंगाफिंगी पोड़ाजला होता पश्चिमबंग शिवपुर अंचल में शोभायात्रा संघर्ष होवारु शांति श्रृंखला रक्षा हावड़ा व्यापक पुलिस मुतयन होती विरोधी बीजेपी अभियोग करी पुलिस रामनवमी शोभायात्रा उपरे आक्रमण करितिला और शोभायात्रा रे जनता को पुलिस मारधर करितिबा विधानसभा विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी अभियोग करिछते एबडे झारखंड रो लोहाडगा अंचल रे रामनवमी शोभायात्रा रे टेका पत्थर फिंगाफिंगी होइतिबा रिपोर्ट मिलिछि संघर्ष रे हात होइतिबा व्यक्ति मानक मधुर तीन जनक अवस्था सांघातिक रहिछि केन्द्रर धान क्रय नीति को विरोध कर दिल्ली में तेलंगाना सरकार धारणा टीआरएस पक्षर् दिनिकिया महाधारणार आयोजन सका नौटे तेलंगाना भवन आरंभ होता धारणा जो मुख्यमंत्री केसीआर समेत दलर सांसद विधायक बड़ नेता सामिल होती धान क्रय प्रसंगे तेलंगाना सह केन्द्र वयमातृक मनोभाव आपणा अभियोग कर तेलंगाना सरकार धान उगाना ही पाप था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है लेकिन जब आप सत्ता पे हो उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ राज्यों के मंत्रियों के साथ किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। हमारे साथ हैं प्रशांत रेड्डी जो आरएनबी मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। क्या आप लोगों का डिमांड है और क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि दिल्ली ने इससे पहले भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा है। नहीं, सीधी बात है, जो अन्य राष्ट्रों में केंद्र सरकार दो फसल जैसा ले रहे है खरीद रहे है वैसा तेलंगाना का भी दो फसल का चावल केंद्र सरकार लेना चाहिए। ये सीधी डिमांड है। नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक रहना चाहिए, पूरा देश में एक पॉलिसी रहना चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि किसान बहुत सारी डिमांड करते रहे हैं, एमएसपी का डिमांड है, तो क्या ये तमाम क्या आप लोग उस एमएसपी को मानते हैं? जरूर, एमएसपी किसान एमएसपी मांगना उसका हक है। मैं देश को जो खाना खिलाता है तो वो फार्मर भी जीना चाहिए, उसको एमएसपी देना ही चाहिए। स्टेट एंड सेंटर एक कोऑपरेटिव मूड में आके बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फार्मर का इश्यू है ये, मेरा इश्यू नहीं है, आपका इश्यू नहीं है। फार्मर को अपन बोलना चाहिए, फार्मर से कन्विंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम पड़ता है, वो इश्यू है। यहाँ पर केसीआर के तौर पर पूरे झंडे में रंगे हुए यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? केसीआर सपोर्ट के लिए चावल लेने के लिए सपोर्ट के लिए आया है तेलंगाना। क्या नुकसान हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है अगर सरकार के नहीं चावल नहीं खरीदती है? फार्मरों को नुकसान हो रहा है। ये जो केसीआर है या फिर उनकी पार्टी टीआरएस है, उसने एक तरीके से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक महाज खोल दिया है और सीधे तौर पर सरकार की जो धान की खरीद की पॉलिसी है उसमें गरीबों के लिए क्या जगह है, वो एक बड़ा सवाल यहाँ से उठ रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। कटक जोबरा निकटरे महानदी मिलिला आउ एक मृतदेह, सर्च ऑपरेशन रे जनक मृतदेह उद्धार होईछि। गतकाली महानदी बुडी जाइथिले तीन जन, गतकाली जनकर मृत्यु होईथिला, आज आउ जनक जीवन नेछि महानदी, सेबडे आउ जनक खोजा खोजी चालिछि। गाधोइबा पई जाई बुडी जाइथिले जोबरा अंचलर तीन युवक, समस्त दिन गोटाए बेले महानदी गाधोइबाकु जाइथिले किंतु चोरा बाली रे गोड़ फसी जिबारु नदी रे बुडी जाइथिबा अनुमान करा जाउछि। युवक माने स्थानीय अंचलर आयर खान, सादिक खान ओ साहिल। युवकों मृत्यु को नहीं स्थानीय अंचल शोकर छाया खेली जाएगी।
ଆମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ମର୍ମତ ଘଟଣା ଛୋଟ ପିଲା ତିନି ତିନି ଜଣ ପିଲା ରୋଜା ମାସ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହା ପରିବାର ଭିତରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କର ରୋଜା ମାସ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ବିପଦ ବଜ୍ରାଘାତ ଦେଲା ଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳମାନ କରିଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଡିପ୍ ୱାଟର ଲେବଲ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଖୋଜାଖୋଜି ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ସହିତ ମେୟର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ସହାୟତା ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। କାଦୁଆ ତୁଠରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଦିଅନ୍ତି ନଦୀ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଳକୁ ସ୍ରୋତ ଆଉ ଟାଣିବନି ପିଲାଙ୍କୁ। ସେଠି ଗଣ୍ଡ ନଥିବ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ କରାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି କିଏ ଯାଇ ଡେଇଁବ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାର ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ପୁରୀର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ 5:05ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବେ। କଲେଜର ସେବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି 2021-22 ବର୍ଷ ପାଇଁ MBBS ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ କଲେଜର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ମାୟା ପାଢ଼ୀ, ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କୌଶିକ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଡିଏମ୍ଇଟି ପ୍ରଫେସର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ବିଏନ୍ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 9 ମାସରେ କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 30 ଜଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 70 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 19 ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲର ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ 150 ପ୍ରଫେସର, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ତଥା ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ର ୱେଲକମ୍ ସେରିମୋନି ଅଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଇଭିନିଙ୍ଗ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 PM ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅର୍ ଆମେ ଆମର ଲୋକାଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ MLA, ଲୋକାଲ ଅନରେବଲ୍ MP ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଅର୍ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଅ ଡିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଅ କଲେଜ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଡାଏସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଫିଲିଂଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ତ ଶବ୍ଦରେ ଏଇଟା ବୟାନ କରିପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ ହୋପ୍ ଆସ୍ପାୟର୍ କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ପୁରୀ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବେସିକାଲି ଜୁଏଲ, ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ପୁରୀରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇକି ଅଲରେଡି ଆମର ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାକି କେଉଁ ବି କଲେଜ ନାଁ ଶୁଣିନଥିଲେ, ପୁରୀର ନାଁ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ପଢ଼ିକି। ଶିକ୍ଷା ବିପ୍ଳବର ପୁରୋଧା ତଥା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସାରା ଦେଶରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବାରଙ୍ଗ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ସହ ଫଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ସେ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ। ଦଳିତ ମହିଳାମାନେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନ ରହି କିପରି ଶିକ୍ଷା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ବାଇ ଫୁଲେଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଆମେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶରେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜି ଆସିକି ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ କୁହାହେଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଫଳର ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଉଠବସ୍, ଆଉ ଉଠବସ୍ ହୋଇ 7 ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୁନାମୁଦି ବାପୁଜୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 7:30 ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ ଧରୁଆ ରାଗିଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠବସ୍ କରାଇଥିଲେ କାନ ଧରି। ଉଠବସ୍ ବେଳେ 7 ଛାତ୍ରୀ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 6 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର CDMO ପୀତବାସ ସା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
समय सरी भारत 360 को यही रखुचु। नमस्कार।